वेलकम बच्चों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग का रिस्पांस मिलता ही रहता है, बहुत अच्छा लगता है। रिस्पांस आने की वजह से लगता है कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंच रही है, और कहीं ना कहीं ये आपको आगे जाकर ज़रूर हेल्प भी करेगी। तो इसी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में। पिछली क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस तक का कॉन्सेप्ट देखा था, क्वेश्चंस उसके कर चुके हैं। अब बस इसमें एक लास्ट सेगमेंट बचा है, उसी को हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करेंगे उसको। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। इसके बारे में तो हम लोग अच्छे से जानते ही हैं, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं हमारे डिवाइसेस से तो गर्म होना शुरू हो जाती है। इसी बात को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट को किसी डिवाइस से, किसी वायर से, किसी रेजिस्टेंस से पास कराया जाता है तो उसमें वो हीट बनाती है। कुछ डिवाइसेस स्पेशली डिजाइंड हैं ज़्यादा हीट बनाने के लिए, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब एलिब्रेटली इस तरीके से डिजाइंड हैं कि इसमें ज़्यादा हीट बने। उसके लिए भी हमारा रूल जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वही हमें हेल्प करता है। और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो हीट बनाने के लिए बनी तो नहीं है, लेकिन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जब आप यूज़ करने के बाद ऑफ करते हैं, उसके बाद उसे के मेटेलिक पार्ट को टच करेंगे तो आपको वहाँ पर हीट ज़रूर फील होगी, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो ये जो करंट के पास होने से हीट बनती है, इसी को हम नाम देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके बारे में हमें जूल ने बताया था, एक सर्टेन लॉ दिया था, कहा था व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टिंग वायर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट को किसी डिवाइस से, किसी रेजिस्टेंस वायर से पास कराया जाएगा तो उसमें पास की जाने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस हीट को, जो हीट बनी है करंट पास कराने की वजह से, उसी को हम नाम देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे सपोज ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस वायर है, इससे हम करंट पास कराने जा रहे हैं आई। इस वायर का रेजिस्टेंस है आर और इसमें हमने टी टाइम के लिए करंट पास कराई है। तो इस केस के लिए हीट बनती है, कितनी हीट बनेगी जूल का रूल बताता है हमें, जूल हीटिंग जिसे कहा जा रहा है। इसका एक रूल है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोला जाता है इसको, जूल्स लॉ। इसको अगर हम कट करके लिख दें तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं इसे हम। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट तो ये क्या कहता है कि हीट जो बनेगी वो आई स्क्वायर आर टी होगी। किस कॉन्सेप्ट से होगी उसको हम यहाँ देख सकते हैं। रूल के अकॉर्डिंगली जो हीट बनती है ये देखा गया है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई स्क्वायर चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको नीचे, पहले देख लेते हैं एक बार फिर बढ़ाएंगे आगे। एच इसमें जूल में मेजर किया गया है, आई एम्पियर में, और आर को हम ओम में मेजर कर रहे हैं, टी टाइम में है। तो जो रूल है वो ये कहता है कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कंबाइंड करते हैं तो एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी बन जाता है, और इक्वल टू करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी।
जे से डिवाइड करने पर ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एच को कैलोरी में मेजर किया गया है। आई इज इन एम्पियर, आर इज इन ओम एंड टी इज इन सेकेंड। ये सेकेंड स्टेप नहीं भी लिखा है तो भी चलेगा, आपको फर्स्ट स्टेप को ही याद रखना है। इसके बाद आता है इसमें कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऐसा होता क्यों है। तो सिंपल सर कॉज है, आप जानते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस में जब करंट को पास कराते हैं तो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव आयंस के साथ, और उसी कोलिजन में ये अपनी एनर्जी लूज करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कोलिजन उतना ज़्यादा, एनर्जी का लॉस भी उतना ही ज़्यादा, और इसीलिए हीट भी उतनी ही ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में रखा गया है हीट को। तो रूल यही कह रहा है, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द फील्ड, दे अंडरगो कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दे मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द आयंस एंड द एटम्स इंक्रीजेज एंड हेंस देयर टेम्परेचर इंक्रीजेज। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है उसी को लूज कर जाता है और वही कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे एक कंपैरिजन दिया है, कोर्स द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए रेजिस्टर इज लाइक दैट ऑफ द स्टोन फॉलिंग इन वाटर। आप अगर हवा में स्टोन्स को फॉल कराएंगे तो आपने देखा होगा स्टोन्स बहुत इजीली नीचे गिरते हैं, लेकिन अगर पानी में डालेंगे तो फिर पानी में गिरते ही वो स्लो हो जाते हैं, धीरे 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 मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका कोलिजन होता है वाटर पार्टिकल्स के साथ और मोशन अपोज होता है। बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है पॉजिटिव आयंस के साथ और मोशन अपोज होता है, और उसी की वजह से हीट यहाँ डेवलप होती है। इस कॉन्सेप्ट को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और इस हीटिंग इफेक्ट पर अगर हम आगे बढ़ाएं तो थोड़ी सी एप्लीकेशन है जिसे हम यहाँ से देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इट इज़ यूज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर। ओवन हम यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ओवन होगा। दूसरा है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। आजकल तो बहुत कम यूज़ होता है, बट हम पहले टाइम पर यूज़ किया करते थे। जो बल्ब है उसका फिलामेंट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका नाम है टंगस्टन। मेल्टिंग पॉइंट इसका 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस आप जानते हैं वाटर बॉयल हो जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा है ये। उसके बाद, द फिलामेंट कैन रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल एंड बिकम्स वेरी हॉट एंड एमिट लाइट। वाइट हॉट हो जाता है और तब वो लाइट एमिट करना शुरू कर देता है, बट उसके साथ यही प्रॉब्लम थी कि वो हीट बनाने के बाद लाइट देता है, तो आधा काम उसका, आधी सप्लाइड एनर्जी हीट में चली जाती थी, वेस्ट हो जाती थी। उसी के एडवांस फॉर्म को फिर हमने CFL और लाइट एमिटिंग डायोड LED के फॉर्म में आजकल जो यूज़ कर रहे हैं वो इसीलिए करने लगे हैं क्योंकि उनका इनपुट कम है, हीट लॉस नहीं होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें लाइट सोर्स मिला था वो थॉमस अल्वा एडिसन ने जनरेट किया था, इस डिवाइस को इन्वेंट किया था, बल्ब वो हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको अभी हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द केस ऑफ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज इज द सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लाइंसेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करेंट। वो हाई करंट जो हमारे डिवाइसेस को डैमेज कर सकती है उसके फ्लो को रोकती है, ब्रेक होकर सर्किट को ब्रेक कर देती है, करंट का फ्लो रुक जाता है। फ्यूज़ वायर को लगाया जाता है इसी पर्पस के लिए। तो जो फ्यूज़ वायर के कंस्ट्रक्शन है, इट इज़ मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन एंड लेड। द अलॉय शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होना चाहिए, एंड हाई रेजिस्टिविटी ताकि ये इफेक्टिव हीट बना सके। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसकी कुछ बेसिक बातें हैं। व्हेन लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर विल इंक्रीज, दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट। इस तरीके से फ्यूज काम करता है। फ्यूजेज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज आर रेटेड एज, इनके अलग अलग रेटिंग है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 और मैक्सिमम 10 तक जाता है। डिपेंड करता है हमारी पावर कंजम्पशन या पावर यूसेज कितना है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन में 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होता है, 220 वोल्ट पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा अभी आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला है, P = वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ से आई का फॉर्मूला P/V 4.54 है,
तो इसके लिए फ्यूज़ रेटिंग 5 एम्पियर सफिशेंट है। 4.54 तक की करंट इसको अलाउड है, थोड़ा बढ़कर 5 एम्पियर तक भी चलेगा, लेकिन अगर 5 से 6, 7, 8 होने लगे तो डिवाइस को डैमेज कर सकता है, इसलिए हम 5 एम्पियर का एक फ्यूज़ इसमें यूज़ कर लेते हैं। इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इलेक्ट्रिक पावर बढ़ाएंगे फिर आगे। तो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम किसी डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से। जितना वर्क किया उसका रेट निकाल लेंगे, रेट यानी कि टाइम से डिवाइड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा पावर। तो इसके 3 फॉर्मूले आते हैं, P = VI I² R और V² R। ये कैसे आया है ये कॉन्सेप्ट हम अभी बात कर लेंगे, इसके बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसको देख लेते हैं, फिर अभी हम फॉर्मूले की भी बात कर लेंगे अलग से। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, अदर यूनिट्स आर किलोवाट एंड HP, हॉर्स पावर। 1 किलोवाट की वैल्यू है 1000 वाट, ये रिलेशन जरूर याद रखना है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी पर बढ़ें, उससे पहले थोड़ा सा हम इसको फॉर्मूले को समझ लेते हैं, ये आया कैसे है। हमने बोला है पावर इज़ द रेट ऑफ वर्क डन, इसका मतलब है कि हम पावर को लिख सकते हैं W/T। जो W है ये इलेक्ट्रिक वर्क है, जो पोटेंशियल डिफरेंस से आता है। आपको अगर याद होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने लिखा था V = W/Q। तो यहाँ से W का फॉर्मूला VQ लिख सकते हैं, अगर VQ लिख देंगे तो अपॉन का T है, Q/T को अगर आप देखेंगे तो ये I बन जाता है, तो इसलिए V × I इसका फॉर्मूला बनता है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। उसके बाद इसको बनाया है I²R, वो इस तरीके से बनाया है कि अगर आप V की जगह V ही रहने दो, सॉरी V की जगह अगर आप IR लिख दो ओम्स लॉ की मदद से, अगर हम इसको ओम्स लॉ की मदद से IR लिख देते हैं तो V की जगह हमने लिखा है IR और I अपनी जगह पर पहले से ही था, तो फॉर्मूला मिलकर बन जाता है I²R। इसीलिए हमने ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया है, आपके डायरेक्ट ही काम आएगा। एक और मेथड है कि आप जो ये फॉर्मूला है इसमें इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वी को ऐसे रहने देते हैं, आई को V/R लिख देंगे, वो फॉर्मूला बन जाएगा V²R। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला लिखा गया है V = V²R। ऐसा यूनिट वॉट है, पावर का फॉर्मूला ये रहा, इसको हम वॉट की जगह जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, वॉट और जूल पर सेकंड भी कहा जाता है, वॉट भी है, W कैपिटल W से डिनोट करते हैं, याद रहे। अदर यूनिट्स में किलोवाट और हॉर्स पावर, उसके बारे में बात कर ही ली गई है। तो पर यूनिट टाइम में आने वाला वर्क उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, लेकिन अगर आप इस T को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर से तो जो वर्क डन बनता है उसी को हम नाम देते हैं एनर्जी। ये जो नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इसी के बारे में है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टोटल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन टाइम। टोटल वर्क डन निकालना है, यानी कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना होगा। और अब आप समझ ही रहे होंगे, अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया है तो पावर का फॉर्मूला है हमारे पास VI। VI को T से मल्टीप्लाई करेंगे, VIT बन जाएगा। VI की जगह I²R है तो I²RT बन जाएगा। वी पावर की जगह V²R है तो V²R × T या V²T/R बन जाएगा। यूनिट लिखेंगे तो कमर्शियल यूनिट में पहले बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट में हम इसके लिए जूल लिख लेते हैं, जूल यूनिट होगी। और कमर्शियल यूनिट यानी कि प्रैक्टिकल लेवल पर इस यूनिट को हम लिखते हैं किलोवाट आवर या फिर BOTU। BOTU की यहाँ पर फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या सिंपली यूनिट भी कह देते हैं। और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो इसी फॉर्म में आता है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितनी यूनिट्स बनी है उसके हिसाब से आता है। तो जो यूनिट्स होती हैं वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट पूरा नाम है, शॉर्ट में हम उसको यूनिट्स ही कहते हैं। तो अगर कन्वर्जन की बात करें तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड।
सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट सेकेंड या जूल बन रहा है, या फिर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल बन जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसे आप पॉज करके नोट कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसा भी हम लिख तो चुके हैं इसको एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू सेव इट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग करंट इन द सर्किट और अप्लायंस। फ्यूज इज जनरली मेड ऑफ अलॉय ऑफ 63% टिन एंड 37% लेड एंड इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि हीट अच्छे से बन सके, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए, सेफ वैल्यू से ऊपर जाने पर करंट के सेव होने के लिए। इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज आर यूज नाइक्रोम वायर एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। ये हमारे फिलामेंट बनते हैं इसके, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में या इलेक्ट्रिक हीटर में जो आप कॉइल देखते हैं, स्प्रिंग देखते हैं, वो इसी मटेरियल का बना होता है। एंड इट इज़ यूज बिकॉज इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी हैं। पहली, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, यानी कि हाई रेजिस्टिविटी, तो ज़्यादा हीट बनाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, जल्दी से टूटते नहीं है। हाई मेलिएबिलिटी है, इजीली हम किसी भी शेप में इनको लेकर आ सकते हैं। और इट इज़ नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, जल्दी से इसकी रस्टिंग भी नहीं होती। और गिवन वी पी इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, किसी भी डिवाइस के लिए गिवन वोल्टेज के लिए, यानी कि पैरेलल में जो वोल्टेज कांस्टेंट होगी उसके लिए पी पावर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जो भी डिवाइस जितनी हाई पावर की होगी उतना ज़्यादा करंट का कंजम्पशन करेगी और उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। हायर द पावर ऑफ द अप्लायंस मोर इज़ द करंट ड्रॉन। इसीलिए आपने देखा होगा हैवी पावर डिवाइस जब हम घर में ऑन करते हैं तो जो लाइट सोर्सेज होते हैं वो हल्के से ब्लिंक कर जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम करंट हमारी उस डिवाइस की तरफ जाने लगता है जिसकी पावर हाई है। हायर द पावर ऑफ द अप्लायंसेज लेसर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होता है इसीलिए इजीली करंट उससे हाई अमाउंट में जाती है। इतनी ही बात है हमारे पास इस लेवल पर, बाकी की बातें हमें हायर क्लास में मिलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चंस इसमें ज़रूर बचे हैं, इसको तो फिलहाल पॉज करके नोट कर लेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इसको पढ़ के रखें, नोट्स बना के रखें और तैयार रखें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।